डिटेल्स के लिए गए हैं और ये है, ये विकेट हमेशा गेंदबाजों के लिए कुछ तोहफा लेके आती है और इसी कारण से ये गेंदबाजी के लिए जा रहे हैं। चलिए, अंपायर के पीछे दोनों टीमों ने बाउंड्री रोप को पार किया और मैच शुरू होने के साथ दर्शकों का भारी शोर। इसको भारी किनारा लगा, सही से टाइम नहीं कर पाए। अच्छी शुरुआत थी लेकिन अंत भी जल्दी, कैच आउट। नए बल्लेबाज आते हुए इनको टीम प्लान के मुताबिक खेलकर पारी को संभालना होगा। इस झन्नाटेदार शॉट ने भेजा गेंदबाज को संदेश, आप ऐसी गेंद करते रहिए और चौके खाते रहिए। लगता है गेंदबाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं। पहली गेंद पे ही चौका। रन भागने की जरूरत ही नहीं, उम्दा टाइमिंग। क्या ये बाउंड्रीज की हैट्रिक होगी? अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा, बढ़िया थ्रो, आसान निर्णय अंपायर द्वारा नॉट आउट का इशारा दिया। खराब स्पेल जाता हुआ, इनको गेम में वापस आना चाहिए और कुछ विकेट्स लेने का प्रयास करना चाहिए। ये आक्रमण स्टंप्स के लिए नहीं था बॉस, जबरदस्त शारीरिक प्रहार। इनकी गेंदबाजी में थोड़ा परिवर्तन है, क्या ये कुछ स्पीड अर्जित कर पाएंगे? गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर। गेंद फील्डर के हाथों में और सीधा वापस फेंका। इस गेंद को कोई नहीं रोक सकता। Yeah.
बहुत बढ़िया। अंपायर द्वारा बॉलर इस मिलने से बहुत निराश, ऐसा लगता है रिव्यू के लिए जाएंगे। लगता है बल्लेबाज ना खुश इस मिलने से। बहुत ऊंचे स्तर की बॉलिंग, बिल्कुल स्टंप्स के आगे पैड पर घेरा। इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं गंवानी चाहिए। फील्डर्स मैदान में जा रहे हैं। इसको बेसिक क्रिकेट खेलना चाहिए, बस अपना नेचुरल गेम खेले। कैच, ओवर को समाप्त किया चौके के साथ। ओ, ये बहुत करीब था, हैट्रिक चांस खो बैठे। उठा दिया है 6 रन के लिए, खूबसूरत शॉट। चूके, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। कैच, इसे पता है कि एक एक रोका हुआ रन मायने रखता है। मजबूत बाजुओं ने खूबसूरत थ्रो फेंका। फ्रंट फुट पर आए, इंतजार किया और जमाया ये और गेंद गई 4 रन के लिए। इन्हें तेजी से भागना पड़ेगा सुरक्षित रहने के लिए। अवसर, भारी गलती, रन आउट हो गए हैं और अब पवेलियन तक जाना होगा।
नया बल्लेबाज आता हुआ, लगता है अपनी टीम की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। ऑफ स्पिनर आए हैं गेंदबाजी के लिए, बेकरार है विकेट लेने के लिए, स्पिन का समय, आक्रमण के लिए आ रहे ऑफ स्पिनर, गेंद हवा में और एक सुरक्षित हाथों ने गेंद को लपक लिया, कहानी खत्म। डिलीवरी बहुत शानदार, बल्लेबाज दुविधा में, बड़ी चतुराई से गेंद की है, क्या बल्लेबाज चकमा खा गए, कीपर को पूर्ण विश्वास इस अपील से, तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है। कमाल दिखाया कीपर ने, तेजी से बॉल की लाइन में आए और स्टंप कर दिया। कैच इट, एक के पीछे एक, ये खोई उन्होंने एक और विकेट, कैच सीधा फील्डर के सुरक्षित हाथों में, गेंदबाज हैट्रिक पे है। बहुत अच्छी फील्डिंग का नजारा, ऐसा बहुत अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा, बढ़िया थ्रो, गजब की गेंद, कोई संदेह नहीं है, ओ ये बहुत करीब था, हैट्रिक चांस, ओ ये अच्छा नहीं हुआ भैया, इस नो बॉल ने बैटिंग टीम को तोहफा दे दिया, फील्डर को चीरती हुई बॉल निकल गई। पिच पर आया और उड़ा दिया ऑन साइड की तरफ, चार रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। दो गर्मा गर्म बाउंड्रीज लगातार, क्या बाउंड्रीज की हैट्रिक होगी। स्पिन का समय, आक्रमण के लिए आ रहे हैं ऑफ स्पिनर, बल्लेबाज ने सुंदर स्वीप, एक टप्पा और गेंद बाउंड्री में, फील्डर बिल्कुल तैयार गेंद को पकड़ने के लिए, और ये चार रन, सुंदर शॉट, कदमों का सही इस्तेमाल, दो की बनती है जोड़ी और तीन की हैट्रिक, क्या ये कर पाएंगे।
शानदार डिलीवरी, गेंद सीधा अंदर घुसी और बेल से टकराई। क्या बल्लेबाज चकमा खा गए, कीपर को पूर्ण विश्वास इस अपील से। अंपायर ने थर्ड अंपायर से पूछा है, ये बहुत करीबी मामला होगा। प्रतीत होता है बल्लेबाज समय पर पीछे आ गए, स्टंपिंग का कोई मौका नहीं। मौका है तीन विकेट लेने का, ओ चूक गए इस बार। इसे पता है कि एक एक रोका हुआ रन मायने रखता है। मजबूत बाजुओं ने खूबसूरत थ्रो फेंका, जोरदार अपील है और बैट्समैन अनिश्चित। अंपायर ने कहा सुरक्षित है, नॉट आउट। आशा करते हैं बल्लेबाज खेल के अंत तक टिके रहेंगे, क्योंकि जीतने के लिए सामने है विशाल का स्कोर। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर। गेंदबाज और ये स्लाइस कर दिया 6 रन के लिए। क्या गर्मा गर्म शुरुआत हुई है, पहली गेंद पे ही चौका जड़ दिया। केवल दर्शक बन के रह गए, गेंद 6 रन के लिए। स्विंग करते डिलीवरी, बल्लेबाज बहुत मुश्किल में। इसे चील की आंखों से देखना पड़ेगा। विकी ने पकड़ तो लिया है, लेकिन क्या किनारा लगा।
बल्लेबाज सही लग रहे हैं, कैमरा ने कुछ अजीब नहीं दिखाया है, बल्लेबाज ने खतरा तो बहुत उठाया है, लेकिन शायद बाल बाल बच जाएंगे। दोनों ही टीमों के लिए बहुत संवेदनशील पल, अल्ट्रा एज के निर्णय का इंतजार करते हुए। बल्लेबाज सुरक्षित। उछलती कूदती छलांग लगाती गेंद गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन मिलेंगे बैट्समैन को। फील्डर ने बॉलर की तरफ देखा और उसकी तरफ गेंद फेंकी। गेंदबाज का एक खराब ओवर। मौसम की परिस्थितियां थोड़ी मुश्किल, खराब रोशनी की वजह से खेल थोड़ा रोका जा सकता है। और गेंद गई हवाई यात्रा पर बिना टिकट, 6 रन और मिलेंगे। यहां छक्कों की बरसात हो रही है। सुंदर गेंद, क्षेत्ररक्षक थोड़े हटा, बारिश की कुछ बूंदें भी पड़ जाए तो सबके लिए मुश्किल उत्पन्न कर देती है। नासा के रॉकेट के साथ गेंद भी चली अंतरिक्ष में, 6 रन और मिलेंगे। रचनात्मक तरीके की बल्लेबाजी, कमाल है भाई। उम्मीद नहीं थी कि कैच हो जाएंगे। स्ट्राइकर जा रहे हैं पवेलियन का रास्ता नापते हुए,
और ये गई विकेट। इसको बेसिक क्रिकेट खेलना चाहिए, बस अपना नेचुरल गेम खेले। बारिश शुरू हो चुकी है, दोनों अंपायर विचार विमर्श करते हुए। शायद अब दोनों टीमों को ड्रेसिंग रूम जाना पड़ेगा। स्पिन का समय, आक्रमण के लिए आ रहे हैं ऑफ स्पिनर। ये काले बादल अपना काम जरूर करेंगे। जबरदस्त बारिश होती हुई और खेल को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीवी का गुस्सा और यहाँ की बरसात कभी भी आ सकती है। कवर्स ग्राउंड पर आते हुए बादल छट चुके हैं और लगता है आज दर्शकों का पूरा पैसा वसूल है, बेशक इसके लिए उन्हें थोड़ा गीला भी होना पड़े। गेंदबाज का ढीला प्रयास, वाइड गेंद होगी। तनाती हुई गेंद बाउंड्री में। अपनी शुरुआत करिए एक सुरक्षित स्ट्रोक के साथ। शॉट लगाते हुए कमाल की फील्डिंग, शर्दिया बाउंड्री, जबरदस्त फील्डिंग और साथ ही एक परफेक्ट थ्रो सीधा स्टंप्स के पास। बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए थोड़ा कतराते हुए। कोई रन नहीं इस गेंद पर। मैदान पर बल्लेबाजी टीम को मिला एक मजबूत विपक्ष। टेक्स्ट बुक ड्राइव, रॉकेट की तरह गया एक्स्ट्रा कवर की ओर। जड़ दिया इसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। इन दोनों ने अपनी टांगों की गति का सही इस्तेमाल किया। गेंदबाजी में परिवर्तन विपक्षी टीम द्वारा। शानदार तरीके से ड्राइव किया कवर्स के क्षेत्र में। इस जोड़ी के बीच अच्छा तालमेल। जब फील्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर। बहुत करीबी मामला हो सकता है। बल्लेबाज ने डाइव लगा दी है। नजदीकी फील्डर्स पूरी तरह चौकस। मिड विकेट फील्डर की ओर ड्राइव किया लेग साइड की तरफ, लेकिन कोई रन नहीं। किनारा लग सकता था।
चली चली रे गेंद मेरी चली रे। विपक्षी टीम का पूरा दबाव रहा, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता था। भाई क्या उम्दा प्रदर्शन किया है बैट से, और इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड पाने के सही हकदार।